झारखंड में बड़ी हलचल है। ईडी के सामने पेशी से पहले झारखंड में हलचल काफी तेज हो चुकी है। सियासी हालात एक बार फिर से बदलते हुए नजर आ रहे हैं झारखंड में। 12 बजे सीएम ने बुलाई है जेएमएम विधायक दल की बैठक। कांग्रेस यूपीए की भी अलग अलग बैठक होने जा रही है। बैठक में ईडी के दोबारा समन भेजे जाने पर मंथन होगा। 17 नवंबर को ईडी ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले भी एक समन जारी हो चुका है सीएम को, लेकिन वो अपने किसी कार्यक्रम की वजह से ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। लेकिन एक बार फिर से ईडी का समन गया है। लेकिन ये पूछताछ कितनी अहम हो सकती है, कितनी गंभीर हो सकती है, इन बैठकों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूछताछ से पहले जेएमएम की अलग बैठक है, कांग्रेस की अलग बैठक है, यूपीए की अलग बैठक होने जा रही है और जो ईडी ने समन किया है इस पर मंथन होगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी हमें दे रहे हैं विवेक चंद्रा। विवेक चंद्रा, ये ईडी के नोटिस पर इतनी बड़ी हलचल झारखंड सरकार में। मेरा ईयरफोन में कुछ प्रॉब्लम। विवेक चंद्रा, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? विवेक तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन ईडी के सामने पेशी से पहले झारखंड में बैठकों का दौर शुरू होने वाला है। 12 बजे सीएम ने झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक दल की बैठक बुलाई है। कांग्रेस भी अपनी बैठक करेगी। कांग्रेस यूपीए की अलग अलग बैठकें होने जा रही हैं और बस मुद्दा एक ही है, जो सीएम को ईडी का समन गया है, इसके बाद पूछताछ के बाद कुछ भी हो सकता है। उससे पहले पहले स्ट्रेटजी प्लान हो रही है। इस नोटिस पर मंथन होगा कि अब आगे करना क्या है। अगर आप देखिए, इस बैठक के बाद हो सकता है कि कोई बड़ा फैसला भी सामने निकलकर आ जाए, हमारी नजर रहेगी। लेकिन जो हलचल तेज हुई है समन के बाद, उस पर हम जानकारी सीधे आप तक पहुंचाएंगे विवेक चंद्रा के द्वारा, क्योंकि विवेक चंद्रा इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं। 17 नवंबर को ईडी ने सीएम सोरेन को बुलाया है। कल सीएम सोरेन से ईडी पूछताछ करेगी। विवेक चंद्रा एक बार फिर से मौजूद है मेरे साथ। विवेक, आवाज आ रही है आपको क्या? जी, आवाज मिल रही है आपकी। विवेक, ये ईडी के समन पर झारखंड में इतनी हलचल क्यों? झारखंड सरकार ने बैठकों का दौर शुरू कर दिया है 12 बजे से। जी, सही कहा। एक बार फिर से जो झारखंड का सियासी तापमान है, वो इस जाड़े के मौसम में, ठंड का मौसम है, तो सियासी तापमान में काफी बढ़त दिख रही है। सियासी तापमान काफी तेज से बढ़ रहा है। तो बताऊं कि आज 12:30 बजे जो है वो जेएमएम की बैठक है, मुख्यमंत्री आवास में ये बैठक होनी है। और इसके साथ साथ दिन भर आज जो है बैठकों का दौर ही चलेगा। कांग्रेस ने जो विधायक, जो कांग्रेस के विधायक हैं, उनकी बैठक, विधायक दल के जो नेता है आलमगीर आलम है, उनकी आवाज पर 4 बजे बुलाई गई है। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताऊं कि फिर शाम में जो गठबंधन दल है सरकार के साथ जो मौजूद है, उनकी बैठक बुलाई गई है, उन सारे विधायकों की बैठक बुलाई गई है आज देर शाम में मुख्यमंत्री आवास में। तो लगातार जो है वो बैठकों का दौर जारी है। और इसके साथ ही ये भी मैं बता दूं कि कल अचानक से जेएमएम की बैठक मुख्यमंत्री आवास पर देर रात बुलाई गई थी। जी, क्या होने वाला है आगे? कार्यकर्ताओं का भी जुटना शुरू हो चुका है, इसका क्या मतलब है? बड़ी संख्या में रांची पहुंच रहे हैं कार्यकर्ता, उधर सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई है ईडी दफ्तर की। इन सब का क्या मतलब निकाला जाए? अगले पल में क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है झारखंड में? जी, सही कहा आपने कि अगले पल में जो कयास अभी तक दिख रहे हैं, जो राजनीतिक समीकरण जिस तरह से दिख रहा है, तो उसमें ये बात सामने निकल के आ रही है कि अगले पल में जरूर कुछ बड़ा होना है। ये मैं आपको ये भी बता दूं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी से समय मांगा। शुक्रिया विवेक चंद्रा, नजर बनाए रखें। लेकिन नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।